दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार दिल्ली का सियासत हाई हो चुका है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी बोल रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए, एलजी बोल रहे हैं हम सरकार नहीं चलने देंगे, लेकिन दिल्ली की जनता क्या कहती है हम दिल्ली की जनता से जानते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और सत्ता में किसे लाना है ये अधिकार जनता का होता है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं, दिल्ली सरकार कैसे चलेगा अब? केजरीवाल चलाएंगे, लेकिन वो तो जेल में है। जेल में तो जेल से भी चलाएंगे, वो उनका अधिकार है, जनता ने उनको चुन के भेजा है, अब वो उनका अधिकार है, उनको इतना समझा है सरकार चलाने के लायक, तभी उनको चुना है ना जनता ने, तो वो चलाएंगे सरकार। और हमें देखो पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है, हम आम आदमी हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे थे, आप लोगों को देखा, तो हम ये कहना चाहेंगे जो केजरीवाल ने करा आज तक किसी सरकार ने नहीं करा, जैसे कि हम जैसे बुजुर्गों को यात्रा करानी हो गई, बस में टिकट फ्री हो गई, बिजली का बिल हो गया, पानी हो गया, और हम लोगों को क्या चाहिए, यही सुविधा हमें चाहिए जी। तो हम ये चाहेंगे कि वैसे तो गलत कराए, नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था उनको, मगर जो संजय सिंह छुटके आए उसके लिए हमें बहुत खुशी है, और उनके परिवार से जाके वो मिले और सहानुभूति है, और तीन लोग और हैं वो भी छूटेंगे, कुछ नहीं मिलना और आएंगे, सरकार तो चलेगी। लेकिन घोटाले का आरोप लगाया गया है, कहा गया कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग भी कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी में कोई और चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही क्यों? देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पार्टी शुरू हुई थी, तो अरविंद केजरीवाल से बेटर चेहरा तो अभी तक कोई भी नहीं है और ना ही होगा आने वाले टाइम में भी। जो जैसे 100 करोड़ की ट्रेल के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन जो ट्रेल अगर आज के टाइम पे आप 10 रुपये की भी पेटीएम ट्रांजेक्शन करते हो तो उसकी भी ट्रेल मिल जाती है, तो 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अभी तक 2 साल हो गए मनीष सिसोदिया जी को जेल में, अभी तक उनके खिलाफ कोई ट्रेल नहीं मिली, अभी संजय सिंह जी रिहा को इनके पास कोई ट्रेल नहीं मिली, केजरीवाल के पास इतने संबंध भेजे आप पहले उठवा लेते, 10वें संबंध पे आपने आए और अब जाके इलेक्शन के टाइम पे आपने उनको अरेस्ट कर लिया, पहले कर लेते, पहले संबंध पे, दूसरे संबंध पे तब अरेस्ट कर लेते। तो ये साफ नज़र आता है कि क्या साजिश की जा रही है, क्या नहीं हो रहा है, आम पब्लिक पागल नहीं है कि मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा कि इस टाइम पर कैसे काम हो रहे हैं। ये 400 सीट का जो दावा है ये ऐसी दावा नहीं है, ये उनका पूरा प्री प्लानिंग है कि कैसे सामने वाली विपक्ष को ख़त्म करना है। मुख्यमंत्री जेल में है, 2 मंत्री और भी जेल में, हालांकि संजय सिंह अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी 3 चेहरा जेल में। सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, दिल्ली सरकार कैसे चलेगी मुख्यमंत्री जेल में है? दिल्ली सरकार को, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उनको वोट दिया है, उनको सरकार बनाया है, और पूरा उन्होंने पहले ही करवा लिया था सर्वे कि हम दिल्ली जेल से सरकार चलाएं या वैसे सरकार चलाए। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने उनको कहा है कि आप जेल से भी सरकार चलाएं, और जो केजरीवाल देश की जनता दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता उनसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, और वो यही चाहती है कि केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएं, और कोई भी हिटलर साई एलजी या मोदी वगैरह कर रहे हैं ये गलत है, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, और जो दिल्ली की जनता 2 करोड़ जनता ने केजरीवाल जी को चुना है, सरकार केजरीवाल को ही चलानी चाहिए, चाहे वो जेल से चलाएं चाहे उनको रिहा करा जाए, उनको रिहा ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ये जो रिश्वत लेने वाले हैं, सौरभ रेड्डी है, 60 करोड़ रुपया उसने रिश्वत दिया है, वो बीजेपी को दिया, तो केजरीवाल का तो कहीं पर भी हाथ नज़र नहीं आता। जो बंदा 6 महीने पहले कह रहा था मैं केजरीवाल को जानता भी नहीं हूँ, मैंने इनको देखा भी नहीं है, और उसको बाद में 60 करोड़ रुपये रिश्वत लेकर के बॉन्ड खरीदवा करके आपने उससे हाँ करवाया, उसको बरी किया और उसको साइड में गवाह बना लिया। अब गवाह को तो डर होता ही है कि मेरे को बंदा कर दे, जैसे उन्होंने गवाह से बोला वैसे उसने गवाह ने बोल दिया कि ये केजरीवाल को हमने 100 करोड़ का बोल दिया। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम यहाँ पे जाना चाहेंगे, हम इन लोगों से भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता सिर्फ वो आम पब्लिक नहीं, जो रेहड़ी पटरी पे जो काम करते हैं वो लोग भी मौजूद हैं। क्या काम करते हो आप? फल की रेहड़ी लगाते हैं। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लगता है उनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, उन पर आरोप लगाया गया है कि वो 100 करोड़ का घोटाला किए हैं। घोटाला नहीं किए हैं, वो आरोप लगाया गया है, ये गलत काम। यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लगता है दिल्ली की जनता को, क्योंकि आप भी दिल्ली के जनता को, क्या लगता है आपको, उनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? मुख्यमंत्री तो इस वक्त जेल में है, सरकार कैसे चलेगी?
बैटरी रिक्शा उन्होंने निकलवाया सर, बिजली फ्री करी उन्होंने, पानी फ्री करा, सब चीज़ फ्री कर रखा उन्होंने, स्कूल फ्री कर रखे सर स्कूल। तो सरकार केजरीवाल ही चलाए? नहीं, प्रधान उनको नरेंद्र मोदी को भी रेंज है, सरकार इनके आते रेंज है केजरीवाल के आते। मतलब आपका कहना है केंद्र में नरेंद्र मोदी रहे लेकिन राज्य में दिल्ली में केजरीवाल ही रहे? हाँ जी, मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेना चाहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से दिल्ली के सियासत में आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है वो देखा जा रहा है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं हमारे साथ, हम बुजुर्ग महिलाओं से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप लोगों को क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को? नहीं जी, नहीं नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा, उनको इस्तीफा देने से क्या कुछ मिलेगा हमें। लेकिन उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उन कहा गया है कि वो 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किए हैं। वो झूठा है, कोई चक्कर नहीं उनका, झूठा है ये तो सब बात। दिल्ली की जनता किसके साथ है अम्मा, क्योंकि केजरीवाल इस वक्त जेल में है? केजरीवाल के पास है, हम तो भाई केजरीवाल के पास, उन्होंने सब कुछ किया है हमारे लिए, सब कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए, हम तो वो बरी हो जाए बहुत अच्छा है। सही बात है, बरी हो जाए सही है, ठीक है। लेकिन आरोप तो लगाया जा रहा है कि घोटाला की, झूठा है आरोप। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री जेल में है, आप क्या काम करते हो पहले? कोई बेंक का काम करते हैं। क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली सरकार कैसे चलेगी और दिल्ली सरकार कौन चलाएगा? केजरीवाल चलाएगा, केजरीवाल के बिना मतलब कोई है नहीं, वैसा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है वो केजरीवाल। क्यों चलाएगा केजरीवाल, सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, केजरीवाल ही क्यों चलाएगा सरकार? मतलब वो फंसाया गया है उसको जाल में, शराब के मतलब इसमें, समझे, अच्छा आदमी था वो बस जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये करोल बाग की जनता है, ये दिल्ली की जनता है, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनको केजरीवाल को फंसाया गया है, केजरीवाल को पे जो आरोप लगा है वो आरोप झूठा है। और मैं आपको दूसरे तरफ रोड के दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगा क्योंकि ये एक मार्केट है और यहाँ पे हम आम पब्लिक से जानना चाहेंगे उनका क्या कुछ कहना है केजरीवाल को लेकर के, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा गया है दिल्ली में आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, कोई कह रहा है इस्तीफा देना चाहिए तो कोई कह रहा है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यहाँ पे दिल्ली की जनता मौजूद है, हम इनसे जानने चाहें, आप युवा हो, सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में, दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? एलजी बोल रहे हैं हम सरकार चलने नहीं देंगे, बीजेपी बोल रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली की जनता क्या कहते हैं, दिल्ली के युवा क्या कहते हैं? देखिए, सरकार तो दिल्ली की जनता ने सुना है ना, और बीजेपी जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, जो कह रहा है सरकार चलने नहीं देंगे, तो ये तो गलत है। और अभी अगर संजय सिंह या वो केजरीवाल अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो ये जो है ना बिल्कुल सारा इसका जो मामला है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी में आप शामिल हो जाओ तो मामला खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। अभी देखिए नीतीश कुमार है या बहुत सारे ऐसा लीडर है जो बीजेपी ज्वाइन करते ही सारा, हेमंत विश्व शर्मा है, इतना बड़ा वो है, उसके ऊपर आरोप है सारा घोटाला, वो महाराष्ट्र का वो क्या है वो अजीत पवार, उसके ऊपर इतना बड़ा मामला है, वो बीजेपी में चला गया और उसका सारा मामला सॉल्व हो गया। जी, यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, ये यहाँ पे दुकान वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे क्या दिल्ली की जनता क्या चाहती है, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली कौन चलाएगा, दिल्ली सरकार कौन चलाएगा? केजरीवाल ही क्यों? केजरीवाल अच्छे हैं, नेताजी हैं, अच्छे नेताजी है केजरीवाल। लेकिन मुख्यमंत्री जेल में है, एलजी बोल रहे हैं हम सरकार चलाने नहीं देंगे, इस्तीफा देना चाहिए। आप देख सकते हैं दिल्ली की जनता का साफ तौर पे कहना है, किसी का कहना है इस्तीफा देना चाहिए तो किसी का कहना है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से दिल्ली में आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस्तीफे को लेकर के ये जो घमासान है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ खास रहता है ये जानने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 4 नेता में से अब 1 नेता संजय सिंह जेल के बाहर आ गए हैं और अब क्या कुछ अगला रुख होने वाला है, क्या निर्णय लेने वाला है आम आदमी पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली की जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, आखिर दिल्ली किसको चलाना है ये निर्णय दिल्ली की ही जनता करेगी।